मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ तो मैंने अपने परदादा की कब्र को भी तलाश करने की कोशिश की। अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पे तो जाता हूँ मैं, दादा की कब्र पे भी फातिहा के लिए जाता हूँ। परदादा की कब्र को ढूंढने की कोशिश की और मुझे नहीं मिली वो। और बाद में जब पता किया तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, व्हेन आई गेट टू नो कि मेरे परदादा की कब्र उस कब्रिस्तान में कभी थी नहीं। और उस वक्त पता मैं क्या सोच रहा था, ज्यादा नहीं फिर 100 साल बाद हम भी ऐसे भुला दिए जाएंगे जैसे हम कभी आए नहीं थे। लग रहा है ना मुश्किल? ये सोच अगर आप 24/7/365 अपने जहन में लेके घूमे ना, अब बहुत सी और सोचों से आज़ाद हो जाएंगे, बहुत से फैसले करना आपके लिए आसान हो जाएंगे, बहुत सी वो जो छोटी छोटी जंगें हैं ना जिस पे आपने अपना जहन लड़ाया हुआ है, रुके हुए हैं, लोगों के लिए आप नफरत दिल में भर के बैठे हैं, निकल जाएगी। क्योंकि इस थोड़ी सी जिंदगी में भी ना, अगर ये नफरत ही करनी है तो बेटर है, इस जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। सीन इज ऑल योर्स, वेक अप।